सो गाइस अभी चल रही है गाड़ी की थोड़ी सफाई, अभी बच रहे इंदौर से निकलेंगे यहाँ से, मतलब निकलेंगे क्या 10 मिनट में निकलना है और फिर आज की जर्नी रहेगी लखनऊ तक। एंजॉय करिए ये वीडियो हमारे साथ और बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए चलते हैं लखनऊ की जर्नी पे, इंदौर से लखनऊ प्रॉपर डिटेल जर्नी। होटल लोटस यहीं पे हम लोग रुके थे, काफ़ी अच्छा है, रिजनेबल प्राइस भी और रूम भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स हम लोग निकल लिए हैं, ये देखिए इंदौर से अभी ये हमारा बस स्टैंड है सिटी वाला, तो बस का जो अलग से रूट है पूरा, मतलब कॉरिडोर है पूरा एक्चुअली। तो अब हम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से देवास होते हुए, आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये ए बी रोड पे हैं अभी हम लोग एंड टाइम हो गया है 8 बज गया, तो देखते हैं लखनऊ को पहुँचते हैं, कानपुर होते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल आ गया है, ये हमारा इंदौर देवास टोल प्लाजा है। ये हम लोग यहाँ से क्रॉस हो गए और सामने जो हमारी इंदौर बाईपास है वो सामने दिख रहा है, उसी पे चल रहे हैं बाईपास से अब आगे देवास की तरफ। ये हमारी बाईपास रोड है, ये इंदौर बाईपास, अब चलेंगे अब देवास की तरफ। यहाँ तक आने में टाइम लगा हमको 8-6, मतलब ज़्यादा नहीं लगा, ए बी रोड पे ही रुके थे विजयनगर के आगे, तो 10 मिनट का ही टाइम लगा। तो मेन हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं और यही रोड हमारी भोपाल के लिए, झांसी के लिए, कानपुर लखनऊ के लिए जाएगी सीधा स्ट्रेट, और हम लोग चलेंगे वाया गुना ब्यावरा और शिवपुरी झांसी होते हुए कानपुर लखनऊ के लिए। हमको 20 मिनट लगा लगभग और हम लोग पहुंच गए अभी देवास। अब यहाँ से हम बाईपास लेके चलेंगे आगे की तरफ स्ट्रेट, अगर आप जाते हैं देखिए स्ट्रेट जाएंगे तो देवास सिटी में जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से स्लाइड राइट हो जाएंगे और बाईपास की तरफ चलते हैं, तो ये इधर आप देवास सिटी के लिए जा सकते हैं। ये है यहाँ से स्ट्रेट देवास और इधर की तरफ हम चलेंगे बाईपास, ये आगरा बॉम्बे रोड ए बी रोड। यहाँ से भोपाल आप देख सकते हैं 159 है, रतलाम 153, उज्जैन 52 और आगरा 577। फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड टोल आ गया है देवास, पहले तो इंदौर देवास वाला था, अभी हमारा देवास से देवास बाईपास वाला टोल है, तो देवास बाईपास प्लाजा करके। तो लास्ट वाला 20 का था, ये 15 का आई थिंक है, और सामने आप देख सकते हैं देवास वाला जो हिल, मतलब हिल का मतलब एक पठार टाइप का, और आगे से राइट हो जाएंगे भोपाल के लिए, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर भोपाल आपको जाना है तो यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा राइट साइड में, तो देखिए हम लोग स्ट्रेट चलेंगे। नीचे फ्रेंड्स भोपाल के लिए आप एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं और हम लोग स्ट्रेट चलेंगे मक्सी की तरफ। ये अभी देवास बाईपास कर रहे हैं हम लोग इधर, ये देवास सिटी है स्ट्रेट में, और राइट साइड में जाएंगे यहाँ से तो भोपाल रोड है इधर, तो आगे हमें फ्लाईओवर के नीचे से लेना है देखिए इस तरफ में, और यहाँ से लेफ्ट साइड में देवास सिटी है, स्ट्रेट ये वाला हाईवे जाएगा उज्जैन के लिए और हम लोग अंदर से नीचे से राइट हो जाएंगे आगे से फ्लाईओवर के नीचे से। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे से जाना है, यहाँ से स्ट्रेट अगर चले जाएंगे तो उज्जैन जा सकते हैं। तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है रोड हमारी अंदर से आ रही है सिटी से इस टाइप देवास की तरफ से, राइट यहाँ से होना है हमको। तो यहीं पे आपको रेस्टोरेंट्स भी काफी सारे मिल जाएंगे नाश्ते के, वहाँ जलेबी, तो यहीं ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ रुके हैं श्री सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट में, गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया और ये रोड आपने मैंने बताया था कि ये हमारी
बाईपास वाली देवास बाईपास होते हुए इधर उज्जैन जाएंगे और अंदर की तरफ अगर जाते हैं तो अंदर अंदर जाएंगे तो इधर देवास सिटी में जा सकते हैं। हम लोग इस तरफ चलेंगे स्ट्रेट ग्वालियर गुना ब्यौरा की तरफ आगरा की तरफ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी पूरा डिटेल के साथ। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे चलेंगे। पोहा जलेबी, हाँ पोहा जलेबी कचौड़ी और खा लेते हैं फिर चलते हैं। अभी टोकन ले लिया पोहा जलेबी कचौड़ी का, वैसे मिलता है यहाँ पे। और मैं दिखाती हूँ काफी सारी चीजें यहाँ हैं। नाश्ता करते हैं पोहा जलेबी कचौड़ी है। देखिए पोहा जलेबी कचौड़ी वाला नाश्ता करेंगे फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं आगे, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे नाश्ता किया था ये वाला रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, अब चल रहा है, टाइम 9:15 हुआ है। तो अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी देवास बाईपास पे है, देवास जस्ट क्रॉस किया, अब आगे चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चलते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा मक्सी उज्जैन के लिए, आप यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं, आगे से रास्ता कटा हुआ ब्यौरा, हम लोग सीधे ब्यौरा की तरफ चलेंगे। ये देखिए उज्जैन के लिए मक्सी के लिए यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हैं। चलिए चलते हैं स्ट्रेट। अभी हमारा टाइम हुआ है 9:38, देखते कब तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा मक्सी के बाद वाला टोल प्लाजा है, मक्सी का बाईपास के बाद, देखते हैं कब तक खुलता है। खुल गया, लाइट्स वाइट्स कुछ नहीं चल रही है, बस टोल लगा हुआ है। रोड्स अच्छी हैं अभी तक इंदौर से, तो अब आगे चलेंगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ से घाट स्टार्ट हो गया। ये हमारा जो एरिया है ये मक्सी के बाद पड़ता है, मक्सी और गुना के बीच में, मतलब मक्सी और शाहजहाँपुर के बीच में आप कह सकते हैं। तो पूरा घाट सेक्शन के बीच से रोड जा रही है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये हम लोग अभी शाहजहाँपुर पहुँचने वाले हैं, शाहजहाँपुर। और इस रोड पे आपको काफ़ी सीनिक व्यूज़ मिलेंगे, एंड मतलब काफ़ी सीनिक व्यूज़ में मिलेंगे और रोड भी बहुत बढ़िया है। अभी तक इंदौर से हम लोग लगता है, टाइम अभी हो रहा है 10 के आसपास, तो ऑलमोस्ट हमें चले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे पहुँचने। यहाँ से फ्रेंड्स आप शाहजहाँपुर के अंदर जा सकते हैं, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे गुना ब्यौरा की तरफ। देखिए शाहजहाँपुर के लिए आप सिटी के लिए जा सकते हैं, मगर पहाड़ तो पूरा है, चलते हैं। फ्रेंड्स कितना भी बढ़िया व्यू है, एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पर फिर आगे चलेंगे, देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है, उधर हिल का है, गाड़ी को साइड में रोका है यहाँ पर, एंड काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी ज़्यादा आगे नहीं आए, व्यू अच्छा लगा तो यहाँ पर रुक गया था, तो चलते हैं थोड़ा आगे। ब्यौरा से जस्ट पहले वाला है, चलते हैं आगे। और रोड्स तो अच्छी हैं थोड़ा, बट ट्रैफिक थोड़ा सा अभी कम है तो अच्छा है वैसे। और हल्की सी नींद भी आ रही है, कल रात में थोड़ा लेट सोए थे और जुकाम भी है थोड़ा, तो लेट सोए थे तो हल्की सी नींद आ रही है, लेकिन चलते हैं अगर, जाना तो ही आज इतना ज़रूरी है, कल से ऑफिस है। सब लोग ब्यौरा पहुँच गए और 3 घंटा लगा लगभग यहाँ पे आने, जिसमें से कि 30-40 मिनट का हमने ब्रेक लिया था। और अभी हम लोग स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से,
ग्वालियर आगरा की तरफ, और रावतना जाएंगे तो ब्यौरा जा सकते हैं। सिटी में स्ट्रेट जाएंगे तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेके चलना है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अगर राइट जाएंगे तो भोपाल है, लेफ्ट जाएंगे हम लोग लेफ्ट चलेंगे गुना, और ये स्ट्रेट जाएंगे तो ब्यौरा सिटी में, यहीं से लेफ्ट लेना। एक टोल और आ गया, ये हमारा ब्यावरा और गुना के बीच में टोल है, तो बढ़िया सा लग रहा है। सामने पीछे पहाड़ है और आगे एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हिमाचल वाले टोल में आ गए। थोड़ा सा टाइम लगा, चलते हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि हम कहीं हिल स्टेशन पे आ गए, सामने देख के तो लग रहा है मस्त लग रहा है बढ़िया। तो इस रोड पे आपको ऐसे व्यूज मिलते रहते हैं बीच में। अभी इंदौर से यहाँ तक मैं 2-3 बार हम ऐसा देख चुके हैं, 3-4 बार होगी। रास्ते में आपको गाय बहुत सारी दिखेंगी तो गाय से थोड़ा बच के चलिएगा, गाय बहुत ज़्यादा है। एनिमल क्रॉसिंग बहुत है रोड पे, और हाईवे खुले हुए हैं पूरे, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग गुना से पहले वाला टोल पहुंच गए हैं, पगारा टोल प्लाजा। तो चलते हैं अभी गुना से थोड़ा सा पहले है ब्यावरा गुना। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुना पहुंचने वाले हैं, एंड ये फिर हिली सेक्शन आ गया पूरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बीच से 4-लेन रोड निकली है और चारों तरफ पहाड़ है। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया मतलब व्यू है यहाँ से, मस्त लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है हिमाचल में चल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एमपी में चल रहा है। बस टेम्परेचर बाहर खड़े हो जाएंगे तब पता चल जाएगा एमपी है, लेकिन अभी तो हिमाचल वाला फील आ रहा है अंदर से एसी में। तो गुना हम लोग पहुंच गए हैं और 12:34 हुआ है, तो 4.5 घंटा लगा इंदौर से गुना आने में। बाईपास होते हुए अब चलेंगे गुना शिवपुरी रोड पर, टोल रोड ये भी है, फिर दिखाता हूँ आगे चल के कब तक पहुँचते हैं कहाँ पर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है और ये सामान लेके ट्रक जा रहा था, पलट गया है पूरा। स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो हमारा टोल अब इसके आगे शिवपुरी है, बट फ्रेंड्स अभी हम लोग झांसी की तरफ से चलेंगे फ्लाईओवर के उससे ऊपर की तरफ, और ये हमारी यहाँ से NH 27 ज्वाइन हो जाएगा, जो हमें गुजरात में भी मिला था बीच में। तो ये हमारी रोड यहाँ से लखनऊ गोरखपुर तक यही रोड रहेगी, लखनऊ अयोध्या वाला हाईवे जो है। ये सामने जो आप देख रहे हैं NH 27 है, लेफ्ट साइड में कोटा की तरफ और राइट साइड में लखनऊ, झांसी होते हुए झांसी कानपुर लखनऊ। ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से राइट लेंगे, स्ट्रेट जाएंगे तो आप शिवपुरी सिटी में जा सकते हैं। तो शिवपुरी हमें पहुँच गया 1:43 हो गए, शिवपुरी बाईपास पे आ गए और टाइम हमारा 1:47 हुआ है, तो ऑलमोस्ट हमको 6 घंटे से थोड़ा कम लगा शिवपुरी तक आने में इंदौर से। अब आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सीन है, और अभी शिवपुरी बाईपास शिवपुरी के पास ही में हम लोग हैं NH 27 पे। तो पूरा पहाड़ वाला एरिया है, घाट सेक्शन, बाहर का टेम्परेचर 31 है, एंड अभी हम लोग शिवपुरी झांसी वाली टोल रोड पे चल रहे हैं। यहाँ कोई लेक है फ्रेंड्स, पूरा एकदम बिल्कुल गजब का व्यू है, बहुत सही लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोग झांसी पहुंच गए हैं, यूपी में एंटर कर गए हैं। झांसी यहां से 20 किलोमीटर है,
और ये चेक पोस्ट का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। 3 बजा झांसी में आने में, हम लोग 8 बजे चले थे इंदौर से, तो अभी लगभग 7 घंटे लगे हमको झांसी तक आने में। तो यहाँ से 20 किलोमीटर झांसी, बट हम लोग बाईपास निकल जाएंगे आगे से। फ्रेंड्स एक तो लोअर आ गया हमारा झांसी से पहले, झांसी से जस्ट पहले ये वाला टोल है रक्षा करके, स्टार्ट है। 3 बज गया तो टोटल वही 7 आवर्स लगा यहाँ तक आने में। और गाड़ी का एवरेज आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले वाला 19.6। अभी डीजल भी लेना है तो, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब वहाँ पे थोड़ा इतना ही भरवा लिया था कि यहाँ तक आ जाए। यूपी में आई थिंक 4 रुपये सस्ता है। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली झांसी का बाईपास लेने जा रहे हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप झांसी सिटी के अंदर जा सकते हैं, और हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे ग्वालियर रोड पे। ये हमारा NH 44 है जो झांसी ग्वालियर हाईवे है। इस साइड में झांसी है इधर, और इधर ग्वालियर के लिए जा सकते हैं, बट हम आगे से राइट हो जाएंगे कानपुर के लिए। तो यहाँ से हमें कानपुर के लिए राइट लेना है झांसी बाईपास, और सीधे जाएंगे तो दतिया ग्वालियर जा सकते हैं। थोड़ी दूरी है सिग्नल है, उसके बाद 4 लेन हो जाएगा। अभी NH 44 से हम NH 27 पे फिर से ज्वाइन होगा, जो कि हमारा कानपुर लखनऊ तक चलेगा, और आगे अयोध्या गोरखपुर तक जाएगा NH 27। ये कानपुर की साइड से झांसी का एंट्रेंस और एग्जिट है, देखिए। इधर से हम लोग लखनऊ कानपुर से आते हैं तो इधर ही से एंटर करते हैं झांसी को। कानपुर के लिए अब आगे चलते हैं। बहुत देर से देख रहे हैं कहीं में कुछ खाने की जगह नहीं मिल रही, पर ये हमारा खजुराहो वाली रोड है, झांसी खजुराहो हाईवे 4 लेन छतरपुर होते हुए, नौगांव छतरपुर होते हुए इधर राइट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से एंट्री है, हम लोग चलते हैं स्ट्रेट यहाँ उरई की तरफ। अभी हम लोग झांसी से उरई की तरफ चल रहे हैं, सामने अपनी बस भी चल रही है रोडवेज वाले। पहले जब हम लोग चले थे इंदौर से तो 10:30 का ETA था, अभी 9:07 का हो गया, बट अभी खाने के लिए रुकेंगे तो 10 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे। कानपुर में अंदर होके जाना है हमको, तो थोड़ा सा 10:30 तक चल पहुँचेंगे। डीजल भरवा रहे हैं, और ये नयारा का पंप है झांसी और रई रोड पे। अब भूख लग रही है बहुत देर से, और काफ़ी देर से गाड़ी चल भी रही, तो वहीं रुकते हैं कुछ लंच करेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ रुके हैं द दीदार रिजॉर्ट करके, एक नया ढाबा। नॉर्मली तो आपको पता है हम लोग गोविंदम पे रुकते हैं, हमारी झांसी कानपुर रोड है, इस साइड में कानपुर है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं क्या है यहाँ पे, कैसा है। अब इसका भी टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है। एम्बियंस ठीक है इसका, और एक्चुअली प्योर वेज है भाई, हम लोग पूछ लिए तो इसीलिए बैठे हैं, प्योर वेज है। एग लिखा है बट वो कह रहे हैं मिलता नहीं है। फ्रेंड झांसी के बाद हमारा पहला टोल आया है, और अभी टाइम हमारा 5 बजने वाला है, लंबी लाइन भी लगी है टोल पे, आप देख सकते हैं। झांसी और रई के बीच में, मतलब झांसी मोड के बीच में है एक्चुअली ये। अब हमारा उरई के पहले वाला टोल आ गया, चलते हैं आगे, उरई पहुंचने वाले हैं। टाइम 5:30। तो फ्रेंड्स आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा आगरा और प्रयागराज का एग्जिट है, और स्ट्रेट उरई है। तो ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो आप सामने रोड देख रहे हैं। लेफ्ट में जाएंगे तो आगरा की तरफ जा सकते हैं, और राइट साइड में प्रयागराज की तरफ गया महोबा की तरफ। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे,
एंट्रेंस ओराई का एंट्रेंस आ चुका है जैसा कि आपने देखा। आगे हम लोग बाईपास से चलेंगे एंड लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो ओराई सिटी में जा सकते हैं। आगे भी और भी बहुत सारे एंट्रेंस हैं, तो ये ओराई का बाईपास है जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अंदर इधर ओराई के लिए जा सकते हैं, हम लोग बाईपास से चलते हैं। टाइम अभी हुआ है 5:59 एग्जैक्ट, 6:06 बज गया और चले हुए हमको 10 घंटे हो चुके हैं, जिसमें हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया। तो अभी हो रही बाईपास पे चल रहा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा महिंद्रा वाला मैप जो है इतना बढ़िया दिखाता है, पूरा रोड के साइंस और ये सारा कुछ रीड करता है। और उससे अच्छी बात आप देखिए एवरेज कितना आ रहा है, XUV 700 में 20.5 का एवरेज है इस ट्रिप पे आ रहा है, तो जो कि अनबिलीवेबल है। एकदम बढ़िया बात है। ओवरऑल हमें 19 का एवरेज तो मिल ही रहा है, टैंक टू टैंक भी अगर देखा जाए हाईवे पे, तो अभी शायद और बढ़ गया, 20.5 है, तो काफ़ी बढ़िया चल रही है गाड़ी। कंट्रोल्स देखिए सारे एलिमिनेटर्स एलिमिनेटेड हैं, अपना डायल देखिए, मैं जैसे बोल रहा था ये देखिए पूरा इसमें प्रॉपर दिखाता है साइंस कैसे है। जैसे अब यहाँ से हमें ऊपर वाली लेन में जाना है, मतलब फ्लाईओवर चढ़ना है, तो इसलिए इस तरह दिखा रहा है। और सामने आप देख सकते हैं फ्लाईओवर आ भी रहा है, तो वैसे ही दिखाता है, देखिए फ्लाईओवर हम लोग चढ़ रहे हैं, प्रॉपर वैसे शो करता है, जैसे ही आप चढ़ जाएंगे हट जाता है। फ्रेंड्स हम लोग हो रही बाईपास क्रॉस कर चुके हैं और आदत है क्योंकि रुकने की, तो गोविंदम में फिर से रुक रहे हैं क्योंकि अभी हो रही से पहले रुकते थे, तो हमेशा यहाँ रुके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ते। वो गाड़ी खड़ी है फ्रेंड्स, वो देखिए अपने उधर लॉक कर दिया है। और फ्रेंड्स अब हम लोग ओराई से चल रहे हैं, टाइम हो रहा है 6:46, 7:15 बज गया। अब चलते हैं यहाँ से कानपुर होते हुए, फिर आगे चलेंगे, दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। तो ये फ्रेंड्स हमारा कालपी ओराई, मतलब ओराई की साइड से हम लोग चल रहे हैं, आगे कालपी है, उसके बीच वाला टोल है। तो झांसी से लखनऊ के बीच में आपको 5 टोल मिलेंगे, 3 आपको यहाँ कालपी तक, ये तीसरा टोल है, 2 टोल ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं झांसी के बाद, और इसके बाद 2 टोल हैं। तो जो भी अमाउंट होगा वो मैं डाल दूंगा नीचे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल लिए हैं फ्रेंड्स फ्रेंड के यहाँ होके, और टाइम हो रहा है 9:04, और हम लोग हैं रामा देवी चौराहे पे। ये देखिए रामा देवी चौराहा, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे लखनऊ के लिए, तो ये सीधे अपना लखनऊ कानपुर लखनऊ हाईवे पकड़ेंगे और चलते हैं आगे। तो ये हमारा आखिरी स्ट्रेच है इस जर्नी का, कानपुर लखनऊ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, डिटेल जर्नी के लिए। और भी मिलते हैं आपसे और किसी नई जर्नी पर, तो अभी चलते हैं लखनऊ। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत जाम लगा हुआ है। देखिए अभी 9 मिनट्स का था, अब 6 मिनट का दिखा रहा, तो काफ़ी ज़्यादा जाम है, फोकस नहीं हो रहा। बट आप देख सकते हैं अभी हम लोग रामा देवी से जाजमऊ गंगा जी वाले ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। लखनऊ कानपुर रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। फ्रेंड्स ये हमारा कानपुर लखनऊ का टोल प्लाजा आ गया, ये नवाबगंज टोल प्लाजा है। अब यहाँ से 30 किलोमीटर और रह गया है।